भारत में 50% लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं है, जिसके चलते हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 10 साल में हालात बद से बदतर हो जाएंगे, जब साफ तो छोड़िए 40% आबादी के पास पानी ही नहीं होगा। पर ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी 80% जनसंख्या जो है खेती के लिए और पीने के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भर है, और ग्राउंड वाटर की खपत इस रफ्तार से हो रही है कि सिर्फ 2007 और 2017 के बीच में उसका स्तर 60% नीचे चला गया है। ये समस्या हमने खड़ी करी है, सरकार ने नहीं, पर फिर भी सरकार के पास इसका एक समाधान है जिससे ना सिर्फ जल स्तर ऊपर आएगा बल्कि प्रदूषण भी कम होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी। और वो सीधा साधा समाधान ये है कि भाई पेड़ लगाएं, जंगल बनाएं। पेड़ों की वजह से बारिश के पानी का बहाव जो है धीमा हो जाता है, उसको मौका मिलता है कि वो जमीन में जाए, जिससे जल स्तर ऊपर आता है। पर जंगल बनाना तो छोड़िए, हमारा देश तो जो जंगल है उनको भी काटने में लगा है। अभी MP के बक्सवाहा जंगल से खतरे का साया पूरी तरह टला नहीं है, पर MP के ही जबलपुर में दुमना फॉरेस्ट पे खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अब पेड़ कट जाने से पानी की रफ्तार को धीमा करने के लिए कुछ भी नहीं होता, ऊपर से जब हम इसी धरती पे कॉन्क्रीट पोत देते हैं तो पानी के पास नीचे जाने की जगह भी नहीं बचती। ऐसा ही कुछ उत्तराखंड के 7 ताल में डेवलपमेंट के नाम पे किया जा रहा है, और ये सारा विकास बढ़ती जनसंख्या के नाम पे किया जा रहा है। जब हमारे पास पीने को पानी नहीं बचेगा और सांस लेने को हवा नहीं बचेगी, हमारे बच्चे स्कूल बस्ता टांग के नहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर टांग के जाएंगे, तो ऐसे विकास का हम क्या करेंगे? तो ये तो हुआ कि सरकार इस बारे में क्या कर सकती है और सरकार इस बारे में क्या कर रही है। पर समस्या आपकी मेरी खड़ी की गई है, तो आप और मैं इस बारे में क्या कर सकते हैं? तो भाई, अगर आपके पास जमीन है और समय है और आप पेड़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो वृक्षारोपण करिए, पेड़ लगाइए, जंगल बनाइए। पर एक ऐसा समाधान भी है कि जो आपके पास जमीन है या नहीं, समय है या नहीं, फिर भी आप उसको लागू कर सकते हैं, और वो है बच्चा पैदा करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में सोचना। अब विडंबना की बात यह है कि हम लोगों को खुद नहीं पता होता कि हम क्यों पैदा हुए हैं, और फिर भी हम बच्चे पैदा कर लेते हैं, शायद इसलिए कि भाई ताकि हमें इस बारे में सोचना भी ना पड़े, बच्चों में व्यस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे। देखिए, बच्चों की आवश्यकता है इंसानियत की वैल्यूज़ आगे ले जाने के लिए, और ये वैल्यूज़ हैं अहिंसा की, ये वैल्यू है ये सोचने की कि भाई भगवान ने आखिरकार हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा। पर ये वैल्यूज़ आगे देने के लिए हमें बच्चे पैदा करने की क्या ज़रूरत है? ये तो हम अनाथ आश्रम से किसी बच्चे की ज़िंदगी सवार के भी कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ तो हम क्लासरूम में टीचर बन के भी दे सकते हैं। ये वैल्यूज़ तो हम उन बच्चों को भी दे सकते हैं जिनके माँ बाप हैं तो सही, पर सिर्फ उन्हें पालने के लिए उन्हें सारा दिन काम करना पड़ता है। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, और ये वीडियो शेयर करके दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करिएगा।